गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों आज भी जाना है बाहर, और आज क्योंकि एक ऋषिकेश में प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में मेरे को भी बुलाया हुआ है, और वहाँ पे जो है माननीय मंत्री जी हमारे हरक सिंह रावत जी आ रहे हैं, और मेरे बड़े भाई भी आ रहे हैं विजय सिंह चौहान जी। तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर, और पूरा दिन वहाँ पे आज लग जाएगा। शाम तक प्रोग्राम है, थोड़ा वेलकम प्रोग्राम है भाई साहब का। तो आज पूरे प्रोग्राम की जो भी प्रक्रिया होगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं अब जो है ब्रेकफास्ट करता हूँ, क्योंकि घर से ही नाश्ता करके हमेशा चलना चाहिए, बाहर जाएँ तो कुछ पता नहीं होता। तो चलें पहले करते हैं दोस्तों नाश्ता, और फिर उसके बाद हम चलेंगे ऋषिकेश। नाश्ता आ चुका है दोस्तों, साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी, पराठा, मलाई और अपनी फेवरेट चाय। तो सबसे पहले पियेंगे दोस्तों चाय। बहुत अच्छी चाय बनी हुई है, और ये पराठा के वन बाइट, और बहुत अच्छा नाश्ता है। तो चलो दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं फिर सब। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने टी शर्ट को चेंज किया है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्म है मौसम। और अब मैं पहुंचने वाला हूं अपनी गाड़ी के पास। आज गाड़ी भी घर के बाहर ही खड़ी करी हुई है हमने। तो चलें, तो गाड़ी में मैं आ चुका हूं, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, और अब जो है धीरे धीरे करके हम निकलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको सारी प्रक्रिया रास्ते की जो भी होगी वो मैं अभी दिखाता हूँ। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ भाने वाले के करीब, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही धूप है, गर्मी बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ट्रैफिक भी बहुत है रोड पे, और गर्मी भी बहुत है दोस्तों। एक डेयरी पर जो अपने दोस्त, ये देखिए पानीवाला में डेयरी है, पनीर वनीर लेने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ ऋषि के, हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं हमारे पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन, तीन बार के चेयरमैन रह चुके बड़े भाई दीप शर्मा जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश भाई कुर्सी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो आनी थी वो आ चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन को बूथ स्तर पे बहुत मजबूत होना चाहिए, उसका कारण भाई आपने सम्मान निकाला, बाबा जी ने मांग लिया। देखो नहीं, मैं उन्हीं को समाहित करते हुए मैं आदरणीय हरक सिंह रावत जी को प्रणाम करता हूं, और आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे वैसे ऐसे चेहरे देखने को मिले आपकी इस बैठक में, कि जो चेहरे बहुत कम नज़र आते थे, चाहे शिवाजी नगर से हो, चाहे हमारे श्यामपुर ग्रामीण क्षेत्रों से, चित्रवाला रायवाला से हो, और अलग अलग जगहों से, वो चेहरे इस समय यहाँ पर नज़र आए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के, आपके काम के कारण यहाँ पर लोग बैठे हैं। आज आप सबके बीच में बहुत लंबे समय के बाद मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने आप को आप सबके बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आपका मेरा रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं। पिछले 40 साल से मैं इस केस में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में, और वैसे तो 42 साल से, जब इस केस डिग्री कॉलेज में चुनाव होते थे, बलवीर शर्मा जी जो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं, तो वो अच्छा संघ अध्यक्ष बने थे, उसके बाद एक और शर्मा जी थे जिन्होंने आगे रेस्टोरेंट खोला है, अतुल शर्मा जी, जब मैं छात्र राजनीति करता था, ये सब लोग मेरे पास वहाँ श्रीनगर में छात्रों की समस्याओं को लेकर, नौजवानों की समस्याओं को लेकर आते थे,
और मैं तब से जुड़ा हूँ। आप सबके आशीर्वाद से जब 91 में मैं मिनिस्टर बना यूपी में, उस समय कॉम्रेड या नगर पालिका के अध्यक्ष थे वीरेंद्र शर्मा भाई, भले ही वो कम्युनिस्ट के अध्यक्ष थे लेकिन मैंने बहुत सारे काम, मेरी एक आदत है, मुझे कांग्रेस में भी 20 साल सरकार में रहने का, विपक्ष के नेता के रूप में रहने का, बचपन में युवा कांग्रेस के पौड़ी जिले का जिला महामंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, और मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा मौका मिला, और लगभग दोनों ही सरकारों में अगर आप जोड़ लें तो 9 बार मैंने शपथ ली है मंत्री पद की, 9 में 3 बार भारतीय जनता पार्टी से ली और 6 बार कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस में एक बार जैसे विजय बहुना जी के साथ शपथ हुई और नहीं, हाँ 4 बार मैंने, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से लिए और 4 बार मैंने कांग्रेस से लिए, 9 बार शपथ लिए है मंत्री की, क्योंकि एक बार 3-3 मुख्यमंत्री बदले, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े जो हमने नारा लगाया था, तो इसलिए मेरे एक आदत है, और मैं जब चुनाव लड़ता हूँ जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ मैं हमेशा उस क्षेत्र के लोगों से कहता हूँ, भैया मैं चुनाव लड़, कोई विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, 5 साल के लिए बनेगा, फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपके बेटर भाई के रूप में आपके बीच में रहना चाहता हूँ, और बेटर भाई का रिश्ता जब तक आपकी सांसें हमारी सांसें तब तक रहेगी, और वही बात मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आपका हमारा रिश्ता केवल एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, केवल एक कांग्रेस का रिश्ता नहीं, एक जनप्रतिनिधि का रिश्ता नहीं, आप पर मर में सब लोग, बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, चाहे सरोज भाई जी हैं, चाहे आप में बहुत सारे जैन साहब हैं, बहुत सारे लोगों को मैं तब से जानता हूं और तब से लगातार आप सब बीच में मुझे आने का मौका मिला है। आज क्योंकि पिछले साल कांग्रेस में दोबारा से आपने परिवार में आया और सीधे विधानसभा चुनाव थे, फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं सक्रिय नहीं था, और मैंने जब जब मन बनाया, मैंने पहले सोचा कि 31 अक्टूबर को अपने जन्मदिन से फिर से नई पाली की शुरुआत करूंगा, तो मेरे को डेंगू हो गया, और इस बार का डेंगू तो ऐसा लगा चिकनगुनिया डेंगू एक जैसा हो, तो फिर नहीं शुरुआत हो पाई, फिर मैंने सोचा कि 1 जनवरी से शुरू करूंगा, साल के शुरू से करूंगा, तो मैंने फिर सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मौका मिल जाएगा कि इन्होंने तो अंग्रेजी महीने से शुरू किया, कांग्रेसों के लिए तो अंग्रेजी महीना होता है, हिंदू वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू नहीं होता, तो फिर मैंने वो भी सोचकर, क्योंकि तो राजनीति में सब चीजें सोच के काम करना होता, तो फिर मैंने सोचा जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आजादी के उस आंदोलन के अवसर पर मैं अपनी नई पारी की शुरुआत करूंगा, नए संघर्ष की शुरुआत करूंगा, एक कार्यकर्ता के रूप में नई संघर्ष की शुरुआत करूंगा, और इसलिए मैंने अभी उससे पहले मैं राहुल गांधी जी के, जयेंद्र भाई हमको वहां मिले थे, राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की शुरू यात्रा में हम जम्मू में सम्मिलित हुए, उसके बाद मैंने 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हास्य हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ, वो भी मैंने चुनकर शुरुआत की, ये धर्मपुर ऐसी विधानसभा से जिसके नाम के आगे धर्म लिखा हो, ऐसे धर्मपुर विधानसभा से मैंने गणतंत्र दिवस की शुरुआत की और अपनी नई पारी की शुरुआत। मैं पिछले दिनों डोईवाला क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा कोई बड़ी जनसभा नहीं होनी चाहिए, कोई रैली नहीं होनी चाहिए, उसमें फिर देखिए रैली तो एक भीड़, जैसे अभी हमारे राजभर जी ललन भाई ने कहा कि भीड़ तो हम बहुत आ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ से बहुत बड़े, मैं सैन्य विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं, शिक्षक रहा हूं, छात्र रहा, ऐसे तमाम उदाहरण है दुनिया के अंदर, 1 लाख फौज 10,000 सैनिकों के सामने पराजित हो,
अगर फौज का ऊंचा मनोबल है, सैनिकों का ऊंचा मनोबल है, ऊंचा हौसला है और संयम भी है तो वो अचीव कर सकती है, उद्देश्य को गेन कर सकती है। इसलिए पहले जो हमारे कार्यकर्ता हैं घर बैठ गया, किन्हीं कारणों से बैठकों में नहीं आ रहा है, ऐसे 150 कार्यकर्ताओं के साथ हम जब बैठ के चाय में चर्चा करेंगे, देर सवेर हम बड़ी रैलियां भी करेंगे। लोकतंत्र में दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती है। जैसे मैं कभी जब मंत्री रहता हूं तो देहरादून में मैं पुलिस स्कॉर्ट लेके नहीं चलता, ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेके नहीं चलता। अब जो नए नए मंत्री बनते हैं तो वो बिना सायरन के बिना काफिले के चलते ही नहीं, तो मेरे कभी क्यों चल लो, क्या दिखावा कर रहे हो। लेकिन चाहे दिखावा करना होता है, जब भाई 1000 गाड़ियों का काफिला होगा तो वहां हरक से रहा 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहा। जहां प्रदर्शन करना है, लोकतंत्र में प्रदर्शन भी बहुत जरूरी है, हर चीज जरूरी। लेकिन सामान्य रूप से हम आपस में बातचीत करें और कैसे आगे की लड़ाई को हमको लड़ना है। बहुत बड़ी भीड़ में, क्योंकि मैं सैन्य विज्ञान का छात्र रहा हूं, बहुत बड़ी भीड़ में, बहुत बड़ी जनसभा में ये पूरा कर दिया, आप किसी लड़ाई को की रूपरेखा नहीं तैयार कर सकते। और मैं आभारी हूं आज आप सबका, क्योंकि अगर बड़ी रैली होती तो 2-4 मंच पे लोग बोलते, भाषण देते और चले जाते, रोज उन्हीं को सुनते हो, उन्हीं को सुनते, उन्होंने अपनी बात सुनाई। लेकिन आम लोगों के मन में क्या बात है, कार्यकर्ता के मन में क्या बात है, ढाई मिनट से पढ़ाने की नहीं है। वो आम जनता के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, मोहल्ले में रहता है। लोगों लोग क्या चाहते हैं, किस तरह हम आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हमने सबके विचार, लगभग जिसने भी विचार दिए, बहुत महत्वपूर्ण विचार आप सबके। और वास्तव में ये जो विचार आप सबने रखा, अगर हमारे कांग्रेस परिवार ने इन विचारों को गहनता के साथ, एकजुटता के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ अगर हमने काम किया। 2 मिनट के लाइक करा दो ना भैया, बहुत सारे लोगों ने कहा प्रोग्राम, और ये बात सच भी है। वो पार्टी जिसका इतिहास ही आजादी के आंदोलन से अंग्रेज दुनिया के अंदर सबसे चालाक माना जाता है, पूरी दुनिया पे अगर किसी ने राज किया तो केवल अंग्रेजों ने किया, ब्रिटेन ने किया। अमेरिका भी उतने बड़े विकसित देश होने के बाद भी उस तरह के कब्जा, उस तरह के राज नहीं कर पाए। और उस व्यक्ति से, उस राष्ट्र से, उस कौम से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो उस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। राजनीतिक दल तो 1947 के बाद बने, उससे पहले जैसे आज दो भी दो उत्तराखंड राज्य दो के नारे के साथ, आज दो भी दो उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झमोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे नारों के साथ हमने, ना कोई यूपीडी का था, ना कोई कांग्रेस का था, ना कोई भाजपा का था, ना कोई कम्युनिस्ट था, सिर्फ एक ही नारा था, हम उत्तराखंडी हैं। मैंने पौड़ी में एक दिन, मैंने एजेंसी के एक दुकान में, अपने कार्यकर्ता की दुकान में बैठा था, देवेंद्र रावत की दुकान में, 15 जुलूस निकले 1 घंटे के अंदर। मुस्लिम बहने हमारी नारा बुर्का पहन के नारे लगा रही थी, आज दो भी दो उत्तराखंड राज्य दो। नेपाली भाई नारा लगा रहे थे, जो पौड़ी के आसपास मजदूर थे वो नारा लगा रहे कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो। व्यापारी भाइयों का जुलूस निकल रहा है, प्रधानों का जुलूस निकल रहा है। तो एक दुनिया के, मैंने कहा मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी, दुनिया के तमाम, चाहे अमेरिका का सिविल वार हो, चाहे चाइना की क्रांति हो फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में, चाहे साम्यवाद के खिलाफ लड़ाई हो, मैंने दुनिया के तमाम जन आंदोलनों का, जन जो संघर्ष रहे हैं उनका अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। और मैं कह सकता हूं हमारी ये पीढ़ी भाग्यशाली पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान मिला है।
हमारी पीढ़ी भाग्यशाली पीढ़ी है, उत्तराखंड की पीढ़ी, जो हमने अपने आंखों के सामने उत्तराखंड राज्य बनते हुए देखा है। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था जब मैं विपक्ष का नेता था, और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज हंसा धनाई बेलवंती चौहान भाई, राजेश रावत भाई, बेजवाल की आत्मा कही, और सैकड़ों लोगों की आत्मा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो देख रही कि क्या इस उत्तराखंड के लिए, इस उत्तराखंड के लिए मैंने अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे विधानसभा का भर्ती घोटाला हो, चाहे चयन आयोग का घोटाला हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का घोटाला हो, जिसमें नौकरियां भेजी जाती हो एक योग्य छात्र के साथ, युवा के साथ, युवती के साथ अन्याय होता हो, जहां की तहत जैसी एक बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसको मौत के घाट सुला दिया जाता हो, क्या इस उत्तराखंड के लिए मैंने अपने प्राणों को, जोशीमठ की त्रास दी, केदारनाथ की त्रास दी, बस दुर्घटनाएं हो रही है सड़कों की अच्छी ना होने के कारण, क्या इसके लिए मैंने अपने प्राणों की आहुति दी थी? सब लोग देख रहे हैं। क्या इसके लिए मैंने आज तो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो पोता झमोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे का नारा दिया था? आज तमाम आंदोलनकारी भी आज हमारे बीच में बैठे, इनकी आत्मा भी रोकी होगी। हम पहले कहते हम उत्तर प्रदेश में जब थे, हम कहते थे उत्तर प्रदेश बिहार के रास्ते पे जा रहा है, उत्तर प्रदेश तो ठीक हो गया, बिहार तो ठीक हो गया, लेकिन अगर आज बिहार में बिहार के लोग, बिहार के नेता कहीं भाषण देते होंगे और कोई भर्ती घोटाला खुलता होगा तो वो कहते होंगे क्या हमारा बिहार उत्तराखंड की ओर जा रहा है, उत्तराखंड के रास्ते पे जा रहा है। ये ताली बजाने का सवाल नहीं है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा होती होगी, अगर एक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में, गुजरात में खुल जाएगा, पंजाब में खुल जाएगा, तो लोग कहेंगे हमारा पंजाब भी, हमारा दिल्ली भी, हमारा बिहार भी भर्ती घोटालों के मामले में उत्तराखंड की ओर जा रहा है। अरे जिसने गंगा यमुना दी है, जिस उत्तराखंड ने गंगा यमुना दी है, फूलों की घाटी बद्री केदार, मैं हमेशा अपने भाषणों में कहता हूं, मुझे गुजरात जामनगर में जाने का मौका मिला, मुझे हैदराबाद में एक बार मंत्री के रूप में जाने का मौका मिला, मैंने वहां अपने भाषण में कहा मैं उस धरती से आया हूं। जब मैं एक बार कनाडा में गया था, एक सिख भाई मुझको मिल गया, मैंने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है? हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है। कह रहे हाँ रावत जी, मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है, वाहेगुरु जी जब मेरी आंखें बंद करे ना, कहां चले गए हमारे पार्षद जी, उस सरदार जी, उनकी मन की बात करा था मैं तुमको, मोदी जी की तरह नहीं, दिल से कर रहा था, रावत जी जब वाहेगुरु जी मेरी आंखें बंद करें तो मैं स्वर्ण मंदिर के बाद हेमकुंड साहिब जाना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है, मैं हेमकुंड जाना चाहता हूं। मैं दुबई गया था, मुझे एक मुस्लिम भाई मिल गया, मैंने कहा कोई इच्छा होती है, कोई आरजू है? कहने रावत जी एक ही आरजू है, जब खुदा मेरी आंखें बंद करे, मेरी सांसें तोड़े, तो मैं मक्का मदीना के बाद गलियर शरीफ की दरगाह रुड़की में जाना चाहता हूं, उस दरगाह पे माथा टेकना चाहता हूं। हिंदू चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे हिंदू चाहे हिंदुस्तान के बाहर रहता हो, हिंदू की एक ही इच्छा होती है कि वो बद्री केदार, धुमनोत्री, यमुनोत्री, जगेश्वर, ऋषिकेश, नीलकंठ, हरिद्वार आना चाहता, चाहता कि नहीं चाहता? अरे इस देश की, इस उत्तराखंड की पहचान गंगा यमुना के नाम से थी, हेमकुंड साहिब के नाम से थी, फूलों घाटी के नाम से थी। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, मैं विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, जब मेरे संबोधन का नाम आया
तो मैंने कहा मैं उस धरती से आया हूं, मैंने कहा मैं विज्ञान भवन में एक एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूं जिसने जिम कॉर्बेट का नाम सुना है, जिम कॉर्बेट का नाम जानता है वो हाथ खड़ा करें, मन से लेकर पूरे विज्ञान भवन में हाथ खड़े हो। मैंने कहा मैं उस धरती से आया हूं जिम कॉर्बेट राजाजी नेशनल पार्क जिस धरती पर है, हमारी पहचान जिम कॉर्बेट के नाम से, राजा नेशनल पार्क के नाम से थी, फूलों की खाड़ी के नाम से थी, एवरेस्ट के नाम से थी, इन हिमालय की चोटियों के नाम से थी, गंगा की पवित्रता के नाम से थी, और आज हमारी पहचान कैसी बन गई। और इस पहचान को बनाने के लिए मैं आज आपसे निवेदन कर तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यह पहचान बनाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, यह पहचान बनाने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, उनकी तो जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर वो गलत रास्ते जा रहे थे, प्रदेश को गलत रास्ते पे ले जा रहे थे, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। जैसे जयेंद्र राम जी ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम गलत रास्ते पे जाने वाली सरकार को, गलत रास्ते पे जाने ले जाने वाले उत्तराखंड को स्पीड ब्रेकर के रूप में घोड़े की लगाम की तरह खींचकर कसने का काम करें और प्रदेश को गलत रास्ते पे जाने से रोकने का काम करें। और इसलिए भाई और बहनों, मैंने मीडिया से भी कहा आज उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, ये कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं है, उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए जरूरी है, उत्तराखंड के किसानों के लिए जरूरी, बेटी बहुओं के लिए जरूरी है, जिनके साथ कोई सरकार कांग्रेस रहते अत्याचार न कर पाए, इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। यह निवेदन मैं आज आपसे करना चाहता हूं। और इसलिए भाई और बहनों, हमें कैसे लड़ाई लड़े, देखिए जो जीता वो सिकंदर, जब 1984 में अटल जी माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे, टीरी आए थे, मैं उस अटल जी के उस कार्यक्रम का संयोजक था, अटल जी ने कहा जब मैं जिस मैदान में मैं जनसभा करता हूं मुझे सुनने के लिए 30-35 हजार लोग आते, उसी मैदान में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब जनसभा करती थी तो 10-15 हजार सुनने के लिए आते थे, लेकिन जब मतपेटियां खुलती थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस की मतपेटियां भरी होती थी और हमारे वोट गिनने पड़ते थे, 2 और 4 वोट हमको मिलते थे। जो उनकी चीजें खराब है हमें नहीं उसको अपने जीवन में उसको नहीं उतारना, अपनी पार्टी संगठन में उसको नहीं उतारना, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन जो उनकी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जब चुनाव होगा, मैंने कई मंचों पर भी इस बात को कहा, मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा हूं, एमएलए का एमपी का भी लड़ा हूं, 2014 पौड़ी पार्लियामेंट लड़ा हूं, जैसे भाई जयेंद्र मुला जी ने कहा, हमारे कुछ साथियों ने भी कहा कि झंडा लगाने से लेकर सब खुद ही करना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी में नॉमिनेशन कर दो, अगर उनसे पूछो कौन किसको वोट दिया तुमने, जो झंडा लगा रहे उनसे पूछो किसके लिए काम कर रहे, उनको कैंडिडेट का नाम ही नहीं पता होगा कि कौन एमएलए का चुनाव लड़ रहा, उन्हें पता ही नहीं होगा। ये ठीक है कि सबको मौका नहीं मिल सकता, अगर एमएलए चुनाव एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, 10 लोग दावेदार होंगे, सांसद का एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, 10 लोग दावेदार होंगे, मेयर का टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा, 5 लोग दावेदार होंगे, पार्षद का टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा, प्रयास करना सबका फर्ज है। कई बार परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन आज अंत नहीं,
का मौका मिल जाएगा। कुछ चीजें हम तो हिंदू धर्म के लोग हैं, किसी ने अर्जुन को कहा था कुछ ऊपर के भाग्य में छोड़ देना चाहिए, हमें कर्म पर भरोसा होना चाहिए। और मैं सोचता हूं, अगर मैं ये निवेदन आज आप सबसे कहना चाहता हूं, हम कर्म पर भरोसा करते हुए पार्षद के चुनाव में हमारे वार्ड से, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, कितनी बड़ा नेता होगा, जितनी बड़ा पदाधिकारी हो, अगर उसके वार्ड से, उसके पोलिंग बूथ से पार्टी पीछे रहती है तो वो बड़ा नेता नहीं है, वो बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। अपना पोलिंग बूथ कैसे मजबूत हो, अपने वार्ड में पार्टी कैसे जीते, ये महत्वपूर्ण है। अपना घर में अंधेरा हो, दीपक तले अंधेरा नहीं चलेगा, दीपक के तले उजाला होना चाहिए। दीपक के तहत अंधेरा भला ही हो, लेकिन पार्टी में, राजनीति में दीपक के तले उजाला होना चाहिए। हम अपने वार्ड को कैसे जिताएं, वार्ड में कैसे काम करें, कोई रिटायर फौजी आ रहा है, कोई शिक्षक रिटायर हो रहा है, कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसको पार्टी से जोड़ लें, उसके घर पे जाएं, चाय पे उससे निवेदन करें, किस समय राजनीतिक परिस्थितियां क्या है देश के अंदर, अडानी से लेकर अडवाणी से, अंबानी से लेकर अडवाणी की चर्चा करें, राहुल गांधी की यात्रा का चर्चा करें और उससे निवेदन करें, हम चाहते हैं कि आपके जीवन का जो, भले सरकारी नौकरी से आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सामाजिक जीवन में आप सक्रिय रहें, आपका योगदान समाज को मिले, और इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी पार्टी से जुड़े। फिर किसी दिन इस तरह का कार्यक्रम हो, उसके गले में एक माला डाल दे, ये भी एक पूर्व प्रिंसिपल थे, रिटायर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे, फौज में थे, आज हमारी पार्टी में इनका स्वागत है। इस तरह हर वार्ड में, हर बूथ पर हम कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय करें, कैसे जोड़े, इस तरह का कार्यक्रम हमको चलाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो कल जब चुनाव आएगा, वो ठीक है, खाना पूर्ति के लिए हम वार्ड का चुनाव लड़ेंगे, 10-20 पार्षद अपने दम पे जीत भी जाएंगे, लेकिन सही मायने में उससे धरातल नहीं तैयार होने वाला, उससे धरती मजबूत नहीं होने वाली। और इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इच्छा व्यक्त की थी, जब जगो तभी सवेरा, मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि एक बार मैं सब, बहुत समय हो गया ऋषिकेश के अपने सभी बड़े भाई लोगों से, और ये अच्छा हुआ आज हमारे शर्मा जी यहां बैठे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और ये भाजपा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।